पंजाब बीजेपी प्रदेश चुनाव प्रभारी ओम माथुर का दौरा होने जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बीजेपी प्रदेश चुनाव प्रभारी हैं ओम माथुर, आज दौरे पर आने वाले हैं। वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक उनकी होने वाली है। बता दें बड़ी खबर, जहां अमित शाह के बस्तर दौरे को लेकर भी चर्चा होगी अहम जानकारी, जहां अनुशासन समिति के पदाधिकारियों से भी चर्चा की जाएगी। तो चुनावी प्रचार को लेकर तैयार की जाएगी रणनीति, रायपुर से बड़ी खबर, जहां बीजेपी प्रदेश चुनाव प्रभारी ओम माथुर का दौरा, वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे। अमित शाह के बस्तर दौरे को लेकर भी चर्चा होने वाली है। आपको बता दें आगामी दिनों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी बस्तर दौरा होना है, जिसे लेकर चर्चा तेज हो चुकी है। अनुशासन समिति के पदाधिकारियों से चर्चा करेंगे। चुनावी प्रचार को लेकर तैयार की जाएगी रणनीति। स्वप्निल गौरखेड़े, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वप्निल, कितने बजे बैठक खास तौर से होने वाली है, अनुशासन समिति के पदाधिकारियों से भी चर्चा, कितने बजे? जी देखिए, भाजपा के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर को सुबह 10:30 बजे रायपुर पहुंचना था, लेकिन उनके दौरे में अब कुछ बदलाव हुआ है। अब दोपहर 3:30 बजे वो रायपुर पहुंचेंगे, जिसके बाद प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे में वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा होगी और भाजपा के घोषणा पत्र, इसके साथ ही अनुशासन जो समिति के सदस्य है उनके साथ भी चर्चा होगी, क्योंकि जिस तरीके से टिकट वितरण के बाद कुछ जगहों पर जो है नाराजगी देखी गई थी, तो उसको लेकर अनुशासन समिति ने भी अपनी रिपोर्ट तैयार की है, तो उस पर चर्चा करेंगे। घोषणा पत्र भी जल्द भाजपा का जारी होने वाला है, तो उसके संदर्भ में कितनी तैयारी है, कितना इसकी ड्राफ्टिंग का काम हो चुका है, इस संदर्भ में जो है चर्चा करेंगे। इसके साथ ही जो भाजपा की चुनावी प्रचार की जो रणनीति है उसको लेकर भी जो है फीडबैक लेंगे कि टिकट वितरण के बाद जो अलग अलग विधानसभाओं में किस तरह प्रचार जो है वो किया जा रहा है और आने वाले दिनों में किस तरह प्रचार करना है, कौन कौन से केंद्रीय मंत्रियों का दौरा होना है, और जल्द ही स्टार प्रचारकों की जंबो लिस्ट भी जारी होने वाली है, तो उस तारतम्य में भी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा करेंगे। और कहा जा रहा है कि आज या कल में जो भाजपा के जो स्टार प्रचारकों की सूची है वो दिल्ली से जारी हो सकती है। जी, स्टार प्रचारकों की सूची की पहले तो वो सूची भी जारी होनी है बीजेपी की, जिस तरह से अभी 5वीं सूची भी आनी है। जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ भाजपा की जो 5 सीटें बची हुई है उस संदर्भ में भी चर्चा की जाएगी, और चूंकि 20 अक्टूबर को जो पहले चरण के नामांकन की अंतिम प्रक्रिया है और पंडरिया सीट अभी भी जो है घोषित होना बचा है, तो पंडरिया सीट को भी जल्द से जल्द घोषित किया जाए और बाकी जो 4 सीटें हैं उसमें जो पेच फंस रहा है उसको भी दूर किया जाए और जल्द से जल्द 5 सीटें भी घोषित की जाए, इसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। तो माना यह जा रहा है कि जो 5 सीटें जो बची हुई है छत्तीसगढ़ में भाजपा की वो भी जल्द से जल्द जारी हो जाए, इसको लेकर आज चर्चा की जाएगी, और उसके बाद दिल्ली में जो सीईसी की बैठक होगी भाजपा की उसमें जो है 5 सीटें जल्द से जल्द घोषित कर दी जाए, तो इस संदर्भ में भी आज चर्चा की जाएगी। जी, खासतौर से रणनीति तैयार हो रही है, एक खाका तैयार हो रहा है, एक रूपरेखा तैयार करने की कोशिश कर रही है बीजेपी। शुक्रिया तमाम जानकारी।